पहाड़ी राजनीति में नया जोर, पहाड़ी धरती पर नई पार्टी, हमरो पार्टी है। अध्यक्ष अजय एडवर्ड ने गुरुवार को मिरिक में हमरो पार्टी के नाम की घोषणा की। इससे पहले अजय एडवर्ड को GNLF के नेता के रूप में जाना जाता था। हालांकि पिछले कुछ महीनों में अजय ने टीम के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। इसके बाद से पहाड़ों में तरह तरह के कयास लगने लगे थे। कुछ दिन पहले उन्होंने समर्थकों से कहा कि वो एक नई पार्टी बनाएंगे और प्रशंसकों से सोशल मीडिया के जरिए पार्टी का नाम जानने को भी कहा। उसी दिन अजय एडवर्ड ने दार्जिलिंग जिले के मिरिक में एक इमारत में समर्थकों के साथ नई टीम के नाम की घोषणा की। पहाड़ियों में नए राजनीतिक दल का नाम हमरो पार्टी रखा गया। पहाड़ियों में एक नए राजनीतिक दल हमरो पार्टी के अध्यक्ष अजय एडवर्ड्स ने कहा, वो पहाड़ियों और तराई में लोगों की विभिन्न कठिनाइयों पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि नई राजनीतिक पार्टी हमरो पार्टी को पहाड़ी लोगों से कितना समर्थन मिल पाता है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों के राजनीतिक घेरे उसी दिशा में देख रहे हैं। आज एक हिस्टोरिक हम लोग कार्यक्रम अभी खत्म हुआ। वी आर वेरी हैप्पी क्योंकि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में दार्जिलिंग में तो 100% देश में भी ऐसा हुआ नहीं हुआ, आई डू नॉट नो, बट टुडे वी आर हैप्पी दैट ये जो चार नाम था ये जनता ने दिया था, 122 तो नाम उसमें हम लोग ये जनता को दिया, आप लोग चूज कीजिए। ये चार नाम आया है, ये चार नाम मध्य एक नाम आप चूज कीजिए, वी विल एक्सेप्ट इट। एंड सो लास्ट नाइट एट 12 o'clock वोटिंग बंद हुआ और वोटिंग में क्लियर विनर इज हमरो पार्टी, हमारा पार्टी। सो हमारा पार्टी जनता ने चूज किया नाम। सो आज नामकरण, ये पार्टी का नामकरण का दिन था। ऐसा बड़ा एक प्रोग्राम नहीं था, सिर्फ एक छोटा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, लेकिन हम लोग का समर्थक जगह जगह से अपना पैसा में, हम लोग पैसा कुछ नहीं दिया, दैट इज़ द ट्रूथ, लेकिन दे वर सो एक्साइटेड, सब लोग आया। सो आज नामकरण और हम लोग का झंडा सार्वजनिक हो गया, आने दिन में हम लोग का पार्टी पुनर्गठन होगा। मेन मुद्दा क्या रहेगा आप लोग का पार्टी? हम लोग का मुद्दा स्पष्ट है क्योंकि ये देखिए 35 साल हो गया ना, 1986 से इधर 35 years, एंड इन 35 years हम लोग क्या, हम लोग बच मैंने वी वर चिल्ड्रन, सो 35 years हो गया ये जातीय मुद्दा, हम लोग गोरखालैंड सिक्स शेड्यूल 21 years फिनिश्ड। उसका बाद फिर 2007 में गोरखालैंड का आंदोलन फिर बुलंदा हो गया, फिर गोरखालैंड 35 साल हम लोग का ख़त्म हो गया। अभी फिर क्या शुरू हुआ है, PPS, ये PPS से हम लोग का 15 साल जवानी तो गया, वी हैव वेस्टेड आर लाइफ। जातीय मुद्दा हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है, इट्स इम्पोर्टेंट, लेकिन हम लोग के लिए व्यक्ति का मुद्दा जो एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड इश्यूज क्या, जितना भी हम लोग का यूथ ग्रेजुएट होके जॉब मार्केट में आता है, देर इज नो वर्क फॉर देम, बेरोजगार इज रैम्पेंट। बेरोजगार का प्रॉब्लम देखिए बंगाल में है, सारा देश में, संसार में, लेकिन एटलीस्ट देर इज सम विजन ना इन डिफरेंट स्टेट्स, बट इन दार्जिलिंग जीरो विजन फॉर द यूथ, जीरो विजन। वी बिलीव इन डिप्लोमेसी। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस जीती है तो बहुत बड़ा का बात है, लेकिन गवर्नमेंट इलेक्शंस, स्कूल इलेक्शन, स्कूल का वो मैनेजिंग कमेटी इलेक्शंस, म्यूनसिपैलिटी इलेक्शंस, पंचायत इलेक्शंस, वी विल डू ऑल इलेक्शंस बिकॉज वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी हैंस फॉर। जीटीए इलेक्शन 100% हम लोग जीटीए इलेक्शन लड़ेगा 100%, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस को कैसे नकार कर सकते हैं, लेकिन क्या के लिए कर रहा है, क्योंकि हम लोग जो हम लोग का गोरखा समुदाय है बहुत गरीब हो गया है। देखिए अपना उपचार करने का लिए भी पैसा नहीं है, पैसा होने से बच जाएगा सिलगुड़ी जाके, पैसा नहीं होने से उसका दे लूज देयर लाइफ। This is the kind of poverty we have in Darjeeling. So we need to get into governance and provide good governance. We need to get into governance and provide proper health care, education and livelihoods. Thank you. Thank you. For education. Education, dekhiye kya tha Darjeeling mein? Bhutan ka
राजा, उसका राजकुमार सब दार्जिलिंग में पढ़ता था। नेपाल का राजकुमार मेरा क्लास फ्रेंड था। हम लोग का एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इन द हिल्स वर टॉप नॉच, लेकिन अभी देखिए एजुकेशन स्टैंडर्ड्स बिकॉज ऑफ 35 इयर्स ऑफ फॉल्स प्रॉमिसेस। तो ये सब चेंज करने के लिए हम लोग व्यक्ति का मुद्दा ईमानदार पूर्वक हम लोग काम करेगा, गुड गवर्नेंस देगा और साथ साथ जातीय मुद्दा जो सेपरेट स्टेट गोरखालैंड, हम लोग कभी वी कैन नेवर फॉरगेट इट बिकॉज बिहाइंड दैट नेम इट इज अ लॉट ऑफ स्वेट एंड ब्लड। अ फादर हैज बीन लॉस्ट, अ ब्रदर हैज बीन लॉस्ट, अ डॉटर हैज बीन लॉस्ट। वी कैन नेवर फॉरगेट द सैक्रिफाइसेस ऑफ द मार्टर्स। लेकिन ये 35 साल का जो हिंसा आंदोलन that is not the solution going forward. It has to be creative, it has to be new approach, and we feel this generation can change that approach. Abhi to darjeeling pahad ka itna bhi political party kiske sath align hai, hum log kiska sath bhi abhi align nahi hai, hum sirf janta ka sath align hua hai. Aur dekhiye, we have to stand in our own two feet. हम लोग सेंटर का स्टेट का पपेट्स होने से हम लोग जनता का मुद्दा हम लोग पार कर कैसे कर सकता है, व्यक्ति का मुद्दा भी कैसे पार कर सकता है। एग्जांपल, देयर इज अ नर्सिंग कॉलेज, 120 ऑफ आवर डॉटर्स यूज्ड टू गेट एडमिशन देयर, स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड इट ऑनलाइन। आर चिल्ड्रेन कैन नॉट कम्पीट विद द चिल्ड्रेन इन प्लेन्स बिकॉज हम लोग का स्टडीज का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म है। सो टूडे बिकॉज इट्स ऑनलाइन, हम लोग का पहाड़ी क्षेत्र में सिर्फ 10-12 नर्सिंग में सीट्स मिल रहा है। लेकिन इसका लिए जो स्टेट का साथ हम लोग का दाजो भाई जो है, ये आवाज मैंने उठाने नहीं सक रहा है ना, क्योंकि दे आर पपेट्स ऑफ द स्टेट। वी कैन नेवर बी दैट। We will win elections, we will get into governance. After that, we will not hold anybody enemies. We will not hold anybody as enemies. Hum log diplomacy. Kyunki diplomacy nahi karne se problems kisko hoga? Hum log ka क्षेत्र को, हम लोग का उत्तम सिंह की रिपोर्ट, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, R9 भारत।